देखिए, रिसेंटली राहु का ट्रांजिट हुआ है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, और ये जो नक्षत्र है वो सैटर्न का नक्षत्र है। तो राहु के साथ सैटर्न का आना मतलब कि शापित योग का क्रिएट करना, जो बहुत ही अशुभ है। तो इस वक्त यूनिवर्स में शापित योग बना हुआ है, इसे आप लोग समझिएगा। इस वक्त यूनिवर्स में शापित योग बना हुआ है, क्योंकि राहु सैटर्न के नक्षत्र में जो उत्तर भाद्रपदा है उसमें ट्रांजिट किया है। तो ये जो समय है ना, ये समय बहुत ही समझ के चलने का है, बहुत समझ के स्टेप देने का है, बहुत ही समझ के डिसीजन लेने का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इल्यूशंस भी जैसे क्रिएट होंगे, जैसे ट्रैप भी क्रिएट किया जाएगा ताकि आप उस ट्रैप के तरफ चले जाओ और उसमें आप फंस जाओ। तो इस तरीके की ट्रैप, इल्यूशन की एनर्जी से आपको खुद को बचाना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ये जो शापित योग है वो आपसे ही कुछ ना कुछ जैसे कि गलत कराने की भी कोशिश करेगा, आपकी माइंड को कंट्रोल करके। तो अगर आपकी एनर्जी एक लेवल में, हाई लेवल में, बैलेंस लेवल में नहीं रहती है, अगर आप की एनर्जी नीचे जाती है, तो फिर ये एनर्जी, ये शापित योग की एनर्जी और ज़्यादा वर्क करेगी आपके ऊपर, ताकि आप जो है कुछ ना कुछ गलत करो। तो देखिए, इस शापित योग के साथ ऑलरेडी जो मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि जुपिटर मेघशिरा नक्षत्र में, जो ओरायन बेल्ट का नक्षत्र है, उसमें जाके बैठा हुआ है। मतलब कि जुपिटर भी इस वक्त ओरायन की एनर्जी से घिरा हुआ है, वो गया है, वो गुरु है, वो गया है वहाँ पे, लेकिन कहाँ गया है, वो दुश्मनों के घर में, राक्षसों के घर में, असुरों के घर में गया है। तो वो अपना पावर तो ज़रूर लगाएगा वहाँ पे, अपना पावर ज़रूर लगाएगा ताकि वो असुरिक एनर्जी को ख़त्म कर पाए, लेकिन एट द सेम टाइम समझिएगा, वो असुरों से घिरा हुआ है, उसी के घर में, उन्हीं के घर में जुपिटर गए हैं। इसके साथ साथ ही राहु भी यहाँ पे आके शापित योग का निर्माण किया है। इसका मतलब है आपको और ज़्यादा कॉन्शियसली अभी एक एक स्टेप देना होगा, क्योंकि कहाँ पे क्या गलती होती है, कहाँ पे आप फंस जाए, कहाँ पे आपकी माइंड को ट्रैप में ले लिया जाए, आपसे गलत चीज़ें करा दिया जाए, जिसके कारण आपको और ज़्यादा सोल शॉक मिले, आपकी आत्मा जो है वो और ज़्यादा सफ़र करे। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि जो एनर्जी अभी चल रही है वो यही है। तो अभी नवंबर तक तो मेघशिरा नक्षत्र में ही जुपिटर रहने वाला है, और ये जो है अभी जो उत्तर भाद्रपदा में है वो भी अभी मार्च तक ऑलमोस्ट रहने वाला है। तो अभी एक लंबा टाइम ड्यूरेशन में है, तो आप लोगों को समझ के चलने की नीड है यहाँ पे, क्योंकि सिचुएशन जो है वो इल्यूशन क्रिएट कर सकती है। और यहाँ पे फर्स्ट लाइफ की कर्मा भी बहुत बुरे तरीके से सडनली अफेक्ट भी करती है, अचानक से आपको हिट कर सकती है। तो वैसे ही मतलब कि ये जो ट्रांजिट हुआ है, अगर करंट एनर्जी में दशा, महादशा, अंतर दशा आपके फेवर में नहीं है, तो फिर ये जो शापित योग की एनर्जी है वो और ज़्यादा वर्क कर सकती है।
तो जो भी सिचुएशन है, जैसे भी सिचुएशन है, आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है, पॉजिटिव वे में सोचना है, सब कुछ हीलिंग के ऊपर फोकस करना है, मेडिटेशन के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है, और किसी भी सिचुएशन में स्टक होके नहीं रहना है। कुछ भी आप लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ हो, वही सोचते हुए आप लोगों को नहीं रहना है, उससे एनर्जी को शिफ्ट करके आप दूसरी चीज़ों में जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपको ग्रोथ दे, जो आपको नॉलेज दे टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ऐसी चीज़ों में आपकी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, तभी जाके आप जो ये जो करंट एनर्जी की जो ट्रैप है उससे आप लोग निकल पाओगे। बाकी देश दुनिया में जो भी घटनाएं घटनी है इस वक्त इस एनर्जी की वजह से, वो तो घटेगी ही, लेकिन आप सब जितना हो सके इन पॉजिटिव वे आप लोग खुद को राइज करने की, हील करने की आप लोग कोशिश कीजिए। एनर्जी अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने जिसमें आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो एनर्जी को इंस्टेंटली, फोकस को इंस्टेंटली शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए और किसी ना किसी काम में आप लोग लग जाइए, क्रिएटिविटी में टाइम दीजिए, साथ में योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डांस कीजिए, तो ये आपकी लोअर चक्रास को बैलेंस में रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए हेल्प करेगी, ताकि इस तरीके की एनर्जी आप लोगों में ज़्यादा इफेक्टिव ना हो पाए। साथ में ओम दुम दुर्गाई नमः का जाप और साथ में हनुमान चालीसा आप लोग रोज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।